आज मैं आप सभी के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पूरा पेपर विश्लेषण करने जा रहा हूँ और एक कॉपी का जो इस साल की 98% से ऊपर की कॉपी होनी चाहिए ऐसी कॉपी को मैं आप सभी के लिए लाइव चेक कर रहा हूँ और उसमें दिखाऊंगा कि कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर किन चीज़ों को ध्यान देता है और कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं जिन पर बच्चों को फोकस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ ताकि यदि आपके अंदर कोई कमी हो तो आप उसे इम्प्रूव कर लीजिए। अभी बोर्ड एग्ज़ाम का समय है तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और होने वाली गलतियों से बचिए। इसके लिए मैं आप सभी को अंग्रेज़ी का ये कक्षा 10 का क्लास 10th का ये इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर लेकर के मैं आप सभी को पूरा सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ और ये जो है पूरा OMR शीट से लेकर के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे OMR शीट की। ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में कॉमन जिसके बारे में बहुत सारा वीडियोज मैंने बना रखा है उसको आप देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हर एक चीज़ें जो है आपको उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उनको पूरा डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम पेपर को आज इस कॉपी को पूरा हल करते हैं। हल की हुई कॉपी को चेक करके उस पर कहाँ कैसे नंबर देना है इसको पूरा मैं डिटेल समझाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी बड़े ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए कॉमन एरर्स क्या हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं और हम उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बोर्ड का पेपर, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर। इसमें है दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस और सेक्शन वन, सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द OMR शीट। सेक्शन बी में है सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव आंसर। सेक्शन ए में OMR शीट के क्वेश्चन और सेक्शन बी में रिटन आंसर के क्वेश्चंस और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस और मार्क्स जो है प्रत्येक प्रश्न के सामने अंकित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जो है OMR शीट को ही चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर वन ये आपका पैसे से रिलेटेड है 1, 2, 3। तो इसमें है टी वाज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजबी रेडेड एज फार, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। तो ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये पैसेज बता रहा है कि ये जो है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये चैप्टर है और इसी से रिलेटेड ये पैसेज आ गया है और इसको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जिसे क्वेश्चन पूछा गया है टी इज़ बीइंग ड्रंक इन चाइना, टी जो है सबसे पहले चीन में पी गई थी या पी जा रही है, कब से, सिंस 2700 BC। यहाँ देखिए ये आंसर दिया भी है, इसी को आप आधार बना सकते हैं कि चाय जो है चीन में लगभग पी जा रही है सिंस 2700 BC, यानी ये सेकेंड सही है। तो सेकेंड सही है इसका मतलब ये क्वेश्चन आंसर भी इस बच्चे ने सही किया है। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है टी वाज ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन, ट्री वाज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन इन 16th century यूरोप। ये फोर सही है, यानी ये सेकेंड सही है। देखिए इसमें भी आंसर सही है, कलर भी सही किया गया है, कुछ कॉलम भरा नहीं गया है। ये सब जो है चूँकि होम एग्जामिनेशन से रिलेटेड है तो थोड़ा सा इसमें बच्चे लापरवाही किए हैं, लेकिन आंसर सही सटीक है तो उस पर नंबर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है द बॉयज़ हियर रिफर्स टू, यहाँ बॉयज़ किसके लिए आया है, तो राजबीर एंड प्रांजल, यानी इसमें फर्स्ट सही है, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। गुड, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। आई विल कम होम व्हेन आई वर्क
तो यहाँ भरना है फिनिश, फिनिश्ड, विल फिनिश, विल हैव। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि वेन के साथ जो क्वेश्चन आता है या वेन के पहले जो क्लाज होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट और वेन के बाद वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है, यानी इसमें पहला ऑप्शन सही है, 4 का ए सही है। यहाँ देखिए ये आंसर गलत हो गया इस बच्चे का। 5 क्वेश्चन पर है, चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट्स, इसका मतलब ये किस टेंस में है पूछा जा रहा है, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी 4 ऑप्शन सही है, तो 5 ये सही है, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर, तो यहाँ जो है लास्ट आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को दिखाता है, इसलिए यहाँ आपका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म यानी चूज, ये हो गया आपका चूज, यानी ये भी आपका आंसर होगा सेकेंड यानी बी, तो ये भी सही है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन, साइन का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या होगा, तो साइन का शोन यानी बी सही है, इसमें 7 का बी सही होना चाहिए, 7 का ए कर दिया इसने यानी ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, फार वर्ली द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज, सबसे ज़्यादा जो है फैसिनेटिंग थिंग क्या थी बल्ली के लिए, तो वो काऊ थी जो पूँछ उठा के दौड़ रही थी, तो 8 का जो है 1 सही है यानी ये सही है, ठीक। 9 है, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लेंचो ने लेटर लिखा था किसको, टू गॉड, यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए, 9 का बी ये भी सही है, चलिए गुड। 10 क्वेश्चन देखिए, द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, क्या प्रोमिस करता था, ए गुड हार्वेस्ट, यानी 10 का सी सही है, चलिए ये भी आंसर सही हुआ। इसके बाद जो है यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर What did लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज के बारे में क्या सोचता था या उनको क्या कहता था, तो उनको समझता था कि बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये बेईमानों के समूह हैं, यानी 11 का ए सही है, 11 का ए, चलिए ये भी सही है। नेक्स्ट है 12, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट, अच्छा मंडेला के अनुसार सबसे एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, तो उसके पीपल, यानी डी ऑप्शन सही है, 12 का डी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट है 13 का, द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का मतलब क्या है, तो रूड का मतलब यहाँ होता है रुइंड, यानी 13 का ए होना चाहिए, 13 का ए होना चाहिए, ये बी है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, हु कंपोज दीज लाइन्स, ये लाइन किसने लिखी, तो ये लाइन लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा, तो ये हो गया 14 का ए, चलिए ये भी ऑप्शन सही। टाइगर डज नॉट वॉन्ट टू बी सीन बाई, किसके द्वारा नहीं दिखाई देना चाहता है टाइगर, तो द डियर, हिरन के द्वारा, क्योंकि वो हिरन का शिकार करने के लिए छुपकर बैठता है, यानी 15 का ए, 15 का बी ये भी गलत हो गया। 16, वेयर अनिल टक द मनी, अनिल पैसे या रुपए कहाँ रखता था, तो अनिल टक्ड मनी अंडर द मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रखा करता था, यानी ये 16 का बी सही है, तो चलिए ये तो सही है। तो इस प्रकार से 17 पर देखते हैं, व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का समय क्या था, तो 10:30 PM, यानी 17 का ए सही होगा, ये रहा है आपका 17 का ए। 18 का, व्हाट डिड ईव राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में वो क्या कलेक्ट करना शुरू किए थे, तो ये सब रॉक्स, बटरफ्लाई, क्वाइंस, यानी ऑल ऑफ द एबव, 18 का हो जाएगा डी, ये रहा, गुड। 19, ईव राइट टुक पार्ट इन काउंटी, ईव राइट हिस्सा लेते थे काउंटी साइंस फेयर या साइंटिस्ट फेयर,
यानी 19 का हो गया सी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, फोटोग्राफर, डिवेटर, साइंटिस्ट फेयर में। ठीक, नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, तो भोली लेसन के राइटर कौन है, तो के ए अब्बास इसके राइटर हैं। आपको सारे लेसन और राइटर याद रखने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये 20 का हो गया ए, ये भी जो है गलत हो गया। अब देखिए इसमें कितने नंबर मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी आपका मार्क्स हो गया इसमें 14/20, 20 में 14 मार्क्स मिल गए इस विद्यार्थी को। थोड़ा प्रयास अच्छा है, लेकिन इसमें और भी अच्छा बेहतर किया जा सकता था। तो ये रहा है आपका ओ एम आर शीट का मूल्यांकन। पूरी तरह से ओ एम आर शीट को मैंने चेक करके दिखाने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि कॉपी कैसे चेक की जाती है। चलिए अब हम अगला सेशन ले करके जल्दी आपके सामने आएंगे, और वो होगा कॉपी चेक करने का। पूरा कॉपी, एक एक क्वेश्चन डिटेल मैं चेक करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि आंसर लिखते समय कहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे, और कहाँ जो है चीज़ों को छोड़ा जा रहा है। इसमें देख, हम सभी जो है पूरा का पूरा एक कॉपी, डिटेल कॉपी चेक करने वाले हैं, और आंसर भी हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। जिसे सबसे पहला ये सेक्शन बी का 50 मार्क्स है, 20 मार्क्स का ये जो है ओ एम आर, यानी टोटल 70 मार्क्स का हो गया। तो इसमें जो है 20 मार्क्स का तो कॉपी हमने चेक किया, अभी इसको हम लोग जो है यहाँ डिटेल देखेंगे। हम टोटल लास्ट में किया जाएगा, 14 मार्क्स मिले हैं ओ एम आर शीट में, 14 मार्क्स मिले हैं। तो अब डिटेल इस कॉपी को चेक करते हैं, क्वेश्चन वाइज कहाँ बच्चे ने गलत किया है और कहाँ जो है पूरे मार्क्स मिलने हैं, कहाँ कितने मार्क्स कट रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वाशिंगटन सी बाय द रोड साइड। इस पेपर को आप पढ़ेंगे तो ये है वाशिंगटन जो है, वन डे जॉर्ज वाशिंगटन वाज राइडिंग अलॉन्ग ए रोड, ऑन हिज वे ही सा सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम, द कारपोलर वॉज गिविंग देम ऑर्डर्स, द बीम वॉज टू हैवी टू मूव, यहाँ मिसप्रिंट है, टू मूव विदाउट हेल्प, दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर, द कारपोरल हाउ एवर वुड नॉट हेल्प देम, ही थॉट दैट ही वॉज टू बिग एन ऑफिसर टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द सोल्जर्स, वाशिंगटन वॉच्ड फॉर ए मिनट एंड देन आस्क द कारपोरल वाई ही डाइड नॉट हेल्प द वाई ही डिड, यहाँ डिड होना चाहिए, डिड नॉट हेल्प द सोल्जर्स, द कारपोरल एट वंस टर्न राउंड एंड सेड, डोंट यू नो सर दैट आई एम एन ऑफिसर, वाशिंगटन रिप्लाइड, आई बेग योर पार्डन मिस्टर कारपोरल, आई डिड नॉट नो दैट You were such a great man. Then he at once dismounted, took off his coat, rolled up his sleeves and pulled at the beam with all his might. The beam came up at once. Washington then mounted his horse again and said to the officer, Mr. Corporal, if in future you need the help of another man, send for your General Washington, the first President of America, was a great man indeed. ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड वाशिंगटन सी बाय द रोड साइड। रोड साइड यानी सड़क के किनारे वाशिंगटन ने क्या देखा, क्वेश्चन आंसर देखिए, वाशिंगटन सा बाय द रोड साइड सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम एंड द कारपोरल, कारपोरल होना चाहिए ना, कारपोरल, कारपोरल, यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दिया है इस बच्चे ने, कारपोरल वॉज गिविंग देम ऑर्डर्स, ये कहीं ना कहीं सही है आंसर, दो में दो नंबर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कारपोरल डूइंग, कारपोरल क्या कर रहा था,
द कॉर्पोरल वॉज गिविंग ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स एंड ही वॉज नॉट हेल्पिंग देम, यहाँ हेल्पिंग होना चाहिए था। खैर आंसर लिखने का तरीका सही है इसलिए इसको दो नंबर मिला। नेक्स्ट है हाउ मैनी पर्सन्स डिड दे नीड फॉर देयर हेल्प, दे नीडेड फॉर देयर हेल्प जस्ट वन मैन मोर, कितने लोगों की जरूरत थी, केवल एक आदमी की, आंसर सही है, इस दो नंबर इस पर भी मिला। यस वाशिंगटन वाज, व्हाट वाज, व्हाट डिड वाशिंगटन डू वाज टू हेल्प द सोल्जर्स, तो वाशिंगटन नहीं, ये आंसर ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ आंसर देना था कि वाशिंगटन ने क्या किया। व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वाशिंगटन डू टू, यहाँ डू टू हेल्प द सोल्जर्स, सैनिकों का मदद करने के लिए क्या किया उन्होंने, अपने हाथ का जो है वो बाहीं मोड़ा और अपने कोट को उतारा और जा करके पूरे शक्ति के साथ उसे निकालने का प्रयास। यहाँ ये लाइन है, यहाँ इसमें ढूंढा जाए तो ये है कि ही एट वंस डिसमाउंटेड, यानी अपने घोड़े से उतरे, टुक ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उतारा, रोल्ड अप हिज स्लीव्स, अपने बाहीं मोड़ी, एंड पुल्ड एट द बीम विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे, यानी ये यहाँ से आंसर, यहाँ ही की जगह केवल लिख देते वाशिंगटन और यहाँ से ये पूरा आंसर लिखते तो ये पूरा आंसर सही होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, यानी आप कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने गए थे उसके बारे में अपने मित्र को बता, अपने भाई को पत्र लिख करके आप बताइए, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फी, यानी फीस अपनी शुल्क मुक्ति के लिए आपको लिखना है, या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या तो लेटर। तो यहाँ हो गया एग्जामिनेशन हॉल एलडी रोड, एग्जामिनेशन हॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना एड्रेस लिखना होता है। खैर ये हो गया आपका, थोड़ा मैं सही कर लूँ कॉपी को सही ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देती रहे। एग्जामिनेशन हॉल जनवरी प्रदर टू द प्रिंसिपल, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट, माई फादर इज क्लर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, ही अर्न्स देयर, होना चाहिए ही अर्न्स देयर। देखिए लिखा, लिखने का तरीका तो सही है लेकिन यदि सेंटेंसेस सही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर देगा आपके मार्क्स को, इसलिए सो माई फादर इज नॉट एबल टू पे माई फी, आई एम ऑलवेज फर्स्ट डिविजन इन आवर इन माई क्लास, होना चाहिए। खैर कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है और ये हो गया, इसलिए इसमें जो है ये चूँकि फोर मार्क्स का है तो फोर मार्क्स में यहाँ जो है थ्री मार्क्स एटलीस्ट अप्लाई किए जाएंगे। यदि ये सारी चीज़ें जो है सही रहती तो फोर के फोर मार्क्स भी अप्लाई किए जा सकते थे, वैसे मैक्सिमम चीज़ें हैं थोड़ी सी सुधार कर दी जाएगी तो इसमें पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर, अच्छा ये है आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये यहाँ पर है कि द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स व्हाई, अच्छा ये चेंज करने के लिए क्वेश्चन तो पेपर में है, ये है यहाँ कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो आंसर इसमें दिया द टीचर आज टू द स्टूडेंट्स व्हाई, अब यहाँ यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसे चेंज करना था, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी यहाँ होना चाहिए दे, इसको चेंज नहीं किया गया, यहाँ होना चाहिए देयर, ये भी चेंज नहीं किया गया, इसका मतलब ये जो है दो नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आई एम गिवेन बाई हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, वैसे ये ग्लास ऑफ वाटर पहले होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज नहीं की जाती, बाई हिम अदर्स में चला जाएगा,
ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, फिलहाल इस पर 2 मार्क्स अवार्ड कर दिया मैंने। थोड़ी सी इम्पैथी बच्चों के साथ दिखाई जाती है कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है पंक्चुएशन का क्वेश्चन। पंक्चुएशन में मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, तो मोहन एम कैपिटल हो गया, सेड टू हिज फ्रेंड्स हु टीचेज यू हिंदी, हिंदी में एच कैपिटल होना चाहिए। देखिए यहाँ ये मिस हो गया। इन योर क्लास क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद, फिर भी मैं 2 मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन ये हिंदी एच कैपिटल होना चाहिए, ये बच्चे ने गलत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा ये ट्रांसलेशन के से है, 4 मार्क्स का है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आवर कंट्री इज, हमारा ये है क्वेश्चन, हमारा देश तेज़ी से उन्नति कर रहा है। आवर कंट्री इज फास्टली प्रोग्रेस, फास्टली होता ही नहीं है, प्रोग्रेस प्रयास ठीक है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री, चलिए ये भी माना। पॉपुलेशन एंड प्राइस राइज होता है, प्राइस राइज यानी बढ़ती हुई महंगाई, इज अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या है। इफ़ वी सेल देम वी इफ़ वी कंट्रोल देम होना चाहिए यहाँ पर। खैर ये जो है, आवर कंट्री विल बी ए ग्रेट नेशन, यहाँ हो सकता है कुछ और कच्चा किया जा सकता था, क्योंकि लमसम मार्क करना होता है, तो 3 मार्क्स मैंने अप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ रहा है प्रोज से, प्रोज का क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, यहाँ क्वेश्चन है। तो नो, लेंचो हैड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम बिकॉज लेंचो कमेंटली फेथ इन गॉड, गॉड सेंड हिम मनी, ही बिलीव्ड दैट गॉड हेल्प हिम एंड सेंट हिम टू मनी। तो यहाँ ये आंसर सही जा रहा है, इसका मतलब इस पर 3 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। नेल्सन मंडेला सेट आउट द फ्यूचर ऑफ अफ्रीकन नेशन कांग्रेस, ही वाज हेल्प देम टू फ्री द कंट्री टू वाइट रूलर्स इन, ये बनाने का प्रयास किया बच्चे ने, कंप्लीट सेंस नहीं दे पाया, तो इसलिए इस पर 2 मार्क्स अवार्ड किया मैंने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एक ही करना है, 4 मार्क्स का है। अच्छा इसमें भी, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज हेल्प लेंचो बिकॉज ही वांटेड, ही नहीं दे होना चाहिए, दे वांटेड टू हिज फेथ इन गॉड एलिव, सो ही, लिखा तो प्रयास किया है बच्चे ने, लेकिन देयर इज़ नो कम्प्लीट सेंस एंड सेंटेंसेज आर आल्सो रॉन्ग समवेयर, सो आई मस्ट अवार्ड हियर 3 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया है आपका, पोएम लिखनी है, पोएम 3 मार्क्स का, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो फॉर ए हेमलॉक ट्री, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब ये भी जो है, ये कहीं ना कहीं पोएम भी मिस हो गई। इस पर जो है, ये इसमें होगा 3 मार्क्स अवार्ड करने हैं, तो यहाँ 2 मार्क्स किसी तरह दे दिया जाएगा, लेकिन ये ब्लंडर है, इस पर मार्क्स नहीं दिए जा सकते। चलिए नेक्स्ट है टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया लिखना था, ये भी 3 मार्क्स का है। ए टाइगर इन द जू पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, ही इज कंट्रास्ट बिटवीन, नहीं देयर इज कंट्रास्ट दिखाना था, बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, ये चलिए इस पर 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, 3 मार्क्स का है भी, प्रयास ठीक है, इसलिए इस पर मार्क्स दिए गए। चलिए ये है 29 में केवल एक ही क्वेश्चन करना था, 29 में केवल एक क्वेश्चन करना था, यहाँ भूल गया, एनी वन आंसर लिखना है, ये दोनों नहीं करना है, एक ही करना है। ट्रिकी वाज ए ग्रीडी डॉग, सी वाज ओवर ओमटिंग,
फूड सो इट एडमिट टू डॉक्टर हैरियट। खैर इसमें से एक ही क्वेश्चन को पर आंसर वो मार्क्स देना है, मैंने 3 मार्क्स अलाट कर दिया, इसे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्वेश्चन पेपर में ही गलत लिखा है, यहाँ एनीवन लिखना चाहिए। फिलहाल इस पर मैंने मार्क्स इसीलिए पूरा भी दिया। मिसेस पंपरीचा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन बिकॉज सी लव टू हर डॉग ट्रिकी, ट्रिकीज फॉल्ट वाज ग्रीट। 4 मार्क्स में इसमें भी जो है 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। एनी हाउ ये सेकेंडली अगेन फिर वही, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है 23 का 23, परहैप्स यहाँ हो चुका है एक जगह, देखिए इस बच्चे ने कितनी ब्लंडर किया। अच्छा 22 का 22 हो गया है, 23 में लिखना था वो आर्टिकल और यहाँ लिखा गया है ये एप्लीकेशन टाइप का लिख दिया गया है, इस पर कैसे मार्क्स अवार्ड किए जा सकते हैं, ये एप्लीकेशन लिखना ही नहीं था। यहाँ पर तो पूरी तरह से 4 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे, इसका मतलब जो है इस बच्चे ने बच्चा जो है बिल्कुल मिसलीड हो गया, तो इस पर मार्क्स अवार्ड ही नहीं किए जाएंगे। ठीक है तो ये हो गया, अब हम इस पूरे मार्क्स पहले जोड़ लिया जाए कितने हो रहे हैं। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3, 6 और ये 3, 9, 2, 11, 11 और 3 हो गए 14, फिर हो गया 2, 14, 2, 16, 16 और 3 हो गया 19 और एंड 3 इधर हो गया तो 21, 20 और 2 जोड़ दीजिए तो हो गया 23 और 2 इधर हो गया 25 और ये हो गया 3 28 और ये हो गया 2 30, 32 और 34। यहाँ मार्क्स होगा 14 ऑलरेडी है प्लस 34 इक्वल टू 448 3 and 1 4 48, ये 70 आउट ऑफ 70 में।